तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर 6 में आप सबको वेलकम। तो मुझे उम्मीद है आप लोग साथ साथ इन लेक्चर्स को ले रहे होंगे, अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपको किसी लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जब भी देखूंगा उसका आंसर कर दूंगा। तो जी, अब हमारा केस वन हमने डिस्कस किया 13.1 से लेकर 13.3 तक इलस्ट्रेशंस की, यानी कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस का केस था। देन हमने केस टू डिस्कस किया, कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल कोर्स का, और उसकी 13.4 इलस्ट्रेशन थी। देन हमने अब इंशाल्लाह केस डिस्कस करेंगे केस थ्री, जो कि आपका है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शंस का, और इसकी इलस्ट्रेशन आपकी है 13.5 से लेकर 13.7 तक। तो इंशाल्लाह हमारी जो चैप्टर नंबर 13 है इसकी डिपार्टमेंटल अकाउंट, तो ये हमारी इसका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि इलस्ट्रेशन इसकी अटेम्प्ट हो जाएंगी। तो जी फिर स्टार्ट करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 13.5 से। जी तो आपके सामने केस थ्री यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शंस की इलस्ट्रेशन नंबर 13.5 जो कि इससे रेलिवेंट है वो शो हो रही है, तो इसको हम जरा देखते हैं। A business is carried on in three departments. Expenses not directly chargeable to any department are apportioned 1/2 to A, 3/10 to B and 1/5 to C. उन्होंने कहा जी एक बिजनेस है जो कि तीन डिपार्टमेंट्स में चल रहा है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हो रही है डिपार्टमेंट ए का 1/2, डिपार्टमेंट बी का 3/10 एंड डिपार्टमेंट सी का 1/5। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द थ्री डिपार्टमेंट्स इन कॉलमनर फॉर्म। कॉलमनर फॉर्म इसी को कहते हैं जो हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट की बनाते आ रहे हैं, मतलब स्केटर्ड फॉर्म। एंड शोइंग द ग्रोस एंड नेट प्रॉफिट्स। ग्रोस प्रॉफिट आप जाहिर बात आप निकालते हो, नेट प्रॉफिट भी आप निकालते हो, एंड द परसेंटेजेस थेरऑफ एंड ऑफ द टोटल्स टू टर्नओवर। ये लास्ट पर हमने परसेंटेज भी निकालनी है, हम फॉर्मल में निकाले ना निकाले हम इसकी अलग से स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो एंड ऑफ द टोटल्स ऑफ टर्नओवर, ठीक है, टोटल टर्नओवर बतानी है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूसिव करके, ठीक है जी। डिपार्टमेंट ए का आपके पास डाटा है, बी का है और सी का है। स्टॉक ऑन हैंड यानी कि 1 जनवरी को जो आपका स्टॉक है वो कितना है जी, 17,820, बी का 5,600 और सी का 1,250। स्टॉक ऑन हैंड 31 दिसंबर जो क्लोजिंग स्टॉक है 19,360, ऑफ डिपार्टमेंट ए 4,710 रुपीज, डिपार्टमेंट बी 3,160, डिपार्टमेंट सी। उसके बाद आउटसाइड सेल्स फॉर द ईयर देखेंगे, आउटसाइड सेल्स दी हुई है आपको और आउटसाइड परचेजेस दी हुई है, वेजेस दी हुई है और सैलरीज दी हुई है। आउटसाइड सेल्स जो आपकी है यानी कि आपने जो बाहर चीजें सेल्स की डिपार्टमेंट से बाहर पब्लिक को या किस तरह से भी, और आउटसाइड परचेजेस तो आपने बाहर से परचेजेस की यानी कि किसी भी पब्लिक से, यानी कि एक्सेप्ट डिपार्टमेंट्स, आपने डिपार्टमेंट से परचेज नहीं किया, डिपार्टमेंट को सेल नहीं की, ये आपने बाहर से ही परचेज किया और बाहर ही सेल किया, और वेजेस है आपके पास और सैलरीज है। अच्छा जी, ये तो आपके हो गए अलग से। उसके बाद ये आपके पास है इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स, इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स आपको दी गई हैं ए टू बी 9,040, ए टू सी 4,820, बी टू ए रुपीज 11,260, बी टू सी 2,190 एंड सी टू ए 3,480। तो ये कुछ ना इन्होंने घुमाने फिराने वाली बातें की हुई हैं। तो वैसे अगर तो आपको प्रैक्टिस हो तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं कि जी ए से जा रही हैं बी के पास आ रही हैं, और ए से जा रही हैं सी के पास आ रही हैं, बी से जा रही हैं ए के पास आ रही हैं, और बी से जा रही हैं सी के पास आ रही हैं, सी से जा रही हैं ए के पास आ रही हैं। तो या तो आप ये काम कर लें, या फिर दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आप इनके अलग अलग अकाउंट बना लें, यानी कि आप बनाएं ए अकाउंट, बी अकाउंट और सी अकाउंट, और देखिए उनकी कितनी जा रही हैं कितनी आ रही हैं, तो टोटल सेल्स और टोटल उसकी परचेज का आपको पता चल जाएगा, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स होगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसका अकाउंट बना लें, क्योंकि स्टार्ट में आपके लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बिना अकाउंट के भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मैनेजमेंट सैलरीज रुपीज 12,000,
अच्छा जी, उसके बाद आपके हैं रेंट एंड रेट्स ₹14,600, इंश्योरेंस 2,100, हॉर्सेस वैन एक्सेट्रा डॉट एंड एक्सपेंसेस ₹8,700, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स ₹1,100, बैड डेट्स ए ₹2,760, बी ₹1,430 एंड सी ₹2,240। ये जी बैड डेट्स आपके ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट्स के हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके पास ₹5,300, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ₹7,400, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ₹2,600 एंड एडवर्टाइजिंग ₹4,500। नहीं जी, तो आपको एक्सपेंसेस दिए गए हैं लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करनी है। बताया गया है नहीं बताया गया? मेरे ख्याल से तो बताया गया है कि आपने इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर टर्नओवर के हिसाब से। खैर इसको देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पास 13.5 इलस्ट्रेशन केस 3 का सॉल्यूशन शो हो रहा है। सबसे पहले आपकी हाइडिंग आ जाएगी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोर्थ ईयर एंडिंग 31st दिसंबर, एक साइड पे डेबिट और एक साइड आपकी क्रेडिट, और इधर से जी आपने सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले जी आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, ए का, बी का और सी का, 17,820, 5,600 और 1,250, टोटल आपका आ गया 24,670। उसके बाद जी आपकी थी आउटसाइड सेल्स, जो कि 1,11,740, 56,130 और 48,510 रुपये, ये आपकी जो क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद डेबिट साइड पर आपकी परचेजेस हैं, तकरीबन वो है आउटसाइड परचेजेस 40,410, 15,370 और 12,560। उसके बाद आपकी वेजेस हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो 27,400, 13,280 और 9,150, टोटल आपकी आ गई 49,830। उसके बाद जी आपने डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स का अलग से कोलन बनाना है। तो अभी आपका कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी वर्किंग की तरफ। जी तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स के नाम से एक हाइडिंग बनी हुई है, और जी आपका ए बी और सी डिपार्टमेंट के अलग अलग अकाउंट बने हुए, लेजर्स बने हुए हैं, टी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। एक साइड पर आपका डेबिट है, जो कि ऑब्वियसली आपका डेबिट साइड होता है, और एक साइड पर क्रेडिट, जो कि आपको ऑब्वियसली क्रेडिट साइड, मोस्टली मतलब आपका राइट एंड डेबिट होता है, अदरवाइज कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती है जिसमें आपको क्रेडिट डेबिट और डेबिट आपका शिफ्ट कर जाते हैं आपस में, राइट और लेफ्ट में हो जाते हैं, यानी कि आपका डेबिट राइट साइड पे चला जाता है और आपका क्रेडिट लेफ्ट साइड पर आ जाता है, लेकिन वो और किस चीज होते हैं। खैर यहाँ पर हम सिंपल बात करेंगे। तो ए बी और सी का आपने अकाउंट बना लिया। सबसे पहले जी आपकी जो बात की गई थी जिस तरह यानी कि अगर तो ए टू बी है, मतलब ए से जा रहे हैं और बी के पास आ रहे हैं, तो आपने ए की क्रेडिट साइड पर लिखा 9,040 और बी की आपने डेबिट साइड पर लिखा 9,040। ये तो आपकी पहली बात थी। उसके बाद आपकी दूसरी बात थी ए टू सी 4,820, तो जी ए के पास से 4,820 जा रहे हैं और सी के डेबिट साइड पर 4,820 आ रहे हैं। देन उसके बाद आपकी थी तकरीबन बी टू ए, यानी कि बी के पास से जा रहे हैं और ए के पास आ रहे हैं 11,260, बी के जा रहे हैं 11,260 और ए के आ रहे हैं 11,260। उसके बाद था जी बी टू सी, इनके बी से जा रहे हैं और सी के पास आ रहे हैं 2,190, बी से जा रहे हैं 2,190 और सी के पास आ रहे हैं 2,190। उसके बाद जी आपका सी टू ए, इनके सी से जा रहे हैं ए के पास आ रहे हैं 3,480, सी से जा रहे हैं क्रेडिट साइड पर ए के पास आ रहे हैं 3,480। तो जी अब आपने सिंपली इसका बैलेंस कर लिया, बैलेंसिंग आपने किया, ए की जो परचेजेस हैं यानी कि जो डेबिट साइड पर पड़ा हुआ है वो कितना पड़ा हुआ है जी 14,740, यानी कि ए की जो डेबिट साइड होगी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसकी जो डेबिट साइड पर ए की डेबिट साइड पर आएगा डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के नाम से हाइडिंग आएगी, वो कितना आएगा 14,740। बी की डेबिट साइड पर कितना आएगा, कितना 13,450 या फिर 9,040 या फिर 4,410,
बताएं जी। जी तो स्टूडेंट्स, आपने सिंपली इसके लेजर्स बना लिए, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी अकाउंट। जो जो आपके पास चीजें आई जिस डिपार्टमेंट से आई, यानी कि मिसाल है ए के पास से जा रही है तो ए की क्रेडिट साइड, बी के पास आ रही है तो बी की डेबिट साइड। आपके पास एग्जाम्पल है 9,040 रुपीज की, जो कि ए की राइट साइड पड़े हुए हैं, बी की डेबिट साइड पर पड़े हुए हैं। ऐसे आप हर के करते गए, टोटल आपने एग्रीगेट किया जो कि आपका टोटल आया है। जैसे ए का 14,740 आया डेबिट में, तो उसी को आपने क्रेडिट में ब्रो डाउन कर दिया। और जब आपने बैलेंसिंग का किया तो कैरी डाउन में बैलेंस आपका बच गया 880। इसको फिर आप लोग इग्नोर करोगे। जिस वक्त आप ए का बैलेंस लिखोगे क्रेडिट साइड की डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स में, तो 9,040 को जमा करोगे 4,820 में, जो आपके पास अमाउंट आएगी तकरीबन ये आती है 13,860, तो उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। और डेबिट में ए की कितना आएगा 14,740। तो सेम आपका अप्लाई होगा बी में और सी में, यानी कि बी का डेबिट में आएगा 9,040 जबकि क्रेडिट में आएगा 13,450। ये मैं आप फॉर्मूले की बात बता रहा हूँ। सी का भी आपका ऐसे ही अप्लाई होगा, सी का डेबिट में आएगा 7,010 जबकि क्रेडिट में आएगा 3,480। तो जी ये थी वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स कैसे लिखना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स आ गए। देखें जी, डेबिट में ए का डिपार्टमेंटल ट्रांसफर 14,740, बी में 9,040 और सी में 7,010। टोटल आपका आ गया 30,790। ऐसे ही आपका अप्लाई हो रहा है क्रेडिट में डिपार्टमेंटल ट्रांसफर 13,860, क्रेडिट में ए का, बी का 13,450 और सी का 3,480। टोटल आपका आ गया 30,790। देखें जी, 30,790 का ही क्रेडिट में अप्लाई हुआ है, 30,790 का ही डेबिट में अप्लाई हुआ है, टोटल की बैलेंसिंग वही आ गई। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया था चूंकि, तो आपने वही सामने लिख दिया 19,360, 4710 और 3160। टोटल आपका आ गया 27,230। तो अब देखिए, आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है डेबिट साइड से, तो आप सिंपली दोनों में ब्रो डाउन कर दो, यानी कि टोटल आपका आ रहा है क्रेडिट साइड का 2,74,400। यही आप लिख दोगे 2,74,400 डेबिट में। ऐसे ही आप तीनों साइड का बैलेंस लिख दोगे डेबिट और क्रेडिट में सेम। उसके बाद ए की डेबिट क्रेडिट साइड पड़ी हुई है 1,44,960 की, उसमें से आप तमाम ए के डेबिट बैलेंस लेस कर दोगे, यानी 17,820, 40,410, 27,400, 14,740। ऐसे आप तमाम को लेस कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 44,590। ये आपका आ गया ग्रोस प्रॉफिट कैरिड ऑन। ये सेम आपका अप्लाई होगा बी में और सी में, देन आपका आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन। जो आपका ग्रोस प्रॉफिट निकला आपने उसको ब्रो डाउन कर लिया, यानी कि 44,590, 31,000 और 25,180। देन आपका टोटल जो ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन है वो कितना है जी, 1,770। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन आ गया। अच्छा जी, तो ग्रोस प्रॉफिट हमने ब्रो डाउन कर दिया और इसके बाद हमने सैलरीज को लिख दिया। सैलरीज आपको डिपार्टमेंट ए बी सी की अलग अलग दी गई थी, 9,450, 5,720 और 4,160। टोटल आपके आगे 19,330। उसके बाद जी आपको मैनेजमेंट सैलरीज अलग से दी गई थी जो कि थी आपकी 12,000 की। तो अब जरा हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जो कि उसने आपको बोला था किस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लोग वापस आते हैं वर्किंग वाले पेज पर। जी तो स्टूडेंट्स, आपने मैनेजमेंट सैलरीज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उसने आपको बोला था कि 1/2 टू डिपार्टमेंट ए, 3/10 टू डिपार्टमेंट बी एंड 1/5 टू एंड 1/6 टू डिपार्टमेंट सी। तो 12,000 मैनेजमेंट आपकी सैलरीज थी और आपने उनको उनकी रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 6,000, 3,600 और 2,400 उनकी अलग अलग अमाउंट आ गई। और उसको आपने जाकर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दिया इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। जी तो ये आपकी मैनेजमेंट सैलरीज भी आ गई, 6,000 डिपार्टमेंट ए की, 3,600 डिपार्टमेंट बी की और 2,400 डिपार्टमेंट सी की। टोटल आपकी होगी 12,000। अब जी बाकी आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, उनकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरा देखिएगा।
जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास आगे ये तमाम एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स हैं, होर्सेस हैं, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, सेंडरी एक्सपेंसेस हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, इंश्योरेंस, बैड डेट्स आपको सेपरेट दिए गए थे, सबके डेप्रिसिएशन है। तो इन तमाम को आपने उसी रेशियो के हिसाब से करना है जिस रेशियो के हिसाब से हमने मैनेजमेंट सैलरीज को किया था, चूंकि उसने आपको रेशियो दी हुई है कि आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि आपने वन हाफ टू डिपार्टमेंट ए करना है, 3/10 टू डिपार्टमेंट बी करना है, और 1/5 टू डिपार्टमेंट सी करना है। अगर उर्दू में बोलूँ तो 1/2 आपने लेना है और ए डिपार्टमेंट में चार्ज करना है, 3/3 मेरे ख्याल से 3/10, हाँ 3/10 था आपका डिपार्टमेंट बी को आपने चार्ज करना है, और 1/5 था आपने जो कि आपने डिपार्टमेंट सी को चार्ज करना है। तो आपने किया ग्रोस प्रॉफिट इज मोर देन ऑल एक्सपेंसेस, तो आपने ग्रोस प्रॉफिट में से तमाम एक्सपेंसेस को लेस किया, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया जो कि कैरी डाउन है, 3,230 डिपार्टमेंट ए का, 6,360 डिपार्टमेंट बी का, और 7,120 डिपार्टमेंट सी का। टोटल आपका आ गया 16,710 रुपये। तो एक चीज ये तो आपकी होगी क्लियर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लास्ट थिंग आपकी रह गई है स्टेटमेंट जो कि परसेंटेज को शो करे ऑफ नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये स्टेटमेंट ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर आपने निकालनी है, यानी कि आपने परसेंटेज निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट पर और नेट प्रॉफिट पर ऑन टर्नओवर। यानी कि अगर तो आप ले रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, अगर आप नेट प्रॉफिट पर ले रहे हो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट सेल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है कि उसमें से तमाम रिटर्न्स लेस हुई हों। तो खैर, इसको हम करते हैं, डिपार्टमेंट ए की आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो कितना आया जी आपका, तकरीबन 44,590। उसको आपने डिवाइड किया, उसके सेल्स आपकी इतनी थी 1,11,740, और मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, तो आपके पास आ गई 39.9%। ये क्या आई है ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट बी का किया और सी का किया सेम मैनर्स में, डिपार्टमेंट बी का क्योंकि 31,000 था और डिपार्टमेंट सी का आपका था तकरीबन 25,180, तो आपने इनको डिवाइड किया और सेम फॉर्मूला लगा कर तो 55.33%, 51.91% आया टोटल आपने देखा जी। तो आपका अच्छा याद रखना एक बात, मैंने 39.9 प्लस 55.33 प्लस 51.9 इनको मैंने प्लस नहीं किया, बल्कि मैंने टोटल का भी अलग फॉर्मूला अप्लाई किया है, यानी कि टोटल जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था वो तकरीबन आपका था 1,770,000। उसको आपने डिवाइड करना है टोटल जो आपकी सेल्स हैं वो तकरीबन आपकी हैं 2,16,380, जो परसेंटेज है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 46.57%, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इलस्ट्रेशन 13.3 में। तो ये वही बिल्कुल सेम अप्लाई होगा कि हमने इनको परसेंटेज को ऐड नहीं करना, बल्कि हमने उसकी टोटल पर अलग अलग लेना है। सेम आपका अप्लाई होगा नेट प्रॉफिट पर, चूंकि नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 3,230 डिपार्टमेंट ए का, उसको आपने डिवाइड करना है टोटल आपकी 1,11,740 की आपकी सेल्स हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका आ गया 2.89%। सेम आपका अप्लाई होगा बी में और सी में, बी का आपका नेट प्रॉफिट आया 6,360 और सी का आपका नेट प्रॉफिट आया 7,120, और उसकी आपकी परसेंटेज आ गई 11.33% और 14.68%। और ऐसे ही आपने इनको परसेंटेजेस को ऐड नहीं करना, बल्कि आपने टोटल नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है टोटल टर्नओवर पर, इनके नेट सेल्स पर, और मल्टीप्लाई करते हैं आपने 100। टोटल इसका नेट प्रॉफिट है आपका 16,710, उसको आपने डिवाइड किया टोटल टर्नओवर जो कि आपके यहाँ है 2,16,380, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपकी आ गई 7.72%। क्या आ गई परसेंटेज आपकी आ गई नेट प्रॉफिट पर। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने, हाँ यही बात मैं कर रहा हूँ, परसेंटेज को आपने ऐड नहीं करना, बल्कि आपने टोटल पर अलग अलग लेना है। और इसके अलावा एक और बात है आपकी, अगर तो आपने ग्रोस प्रॉफिट पर ले, टोटल ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नेट सेल्स होगा, अगर नेट प्रॉफिट पर ले टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नेट सेल्स होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर, और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा जैसे ही मैं उसको क्वेश्चन को आपको देखूंगा।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके लेक्चर में तकरीबन आपकी 13.5 तक इलस्ट्रेशंस कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुड वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका जल्द ही चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशंस की बस आपकी दो रह गई हैं केस थ्री की, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स की। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे इसकी प्रॉब्लम्स पर। तो उसके लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज। हाँ।